खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वे कलेक्ट्रेट में जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई 4 दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रभारी मंत्री नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर खूब बरसे, खासकर किसानों की कर्ज माफी के बयानों को लेकर कटारिया उनके निशाने पर रहे। प्रभारी मंत्री ने कटारिया को झूठों का नेता करार देते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि भाजपा का इतना सीनियर लीडर होने के बावजूद झूठ पर झूठ बोलते हैं। उन्होंने कटारिया को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कर्ज माफी नहीं हुई है इसे साबित कर दे तो हम वे जो सजा देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि हम सही निकले तो क्या वे राजनीतिक छोड़ने से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 80,000 किसानों का कर्ज माफ किया गया और यदि उन्हें विश्वास नहीं है तो सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कर जानकारी ले सकते हैं। इतने बुजुर्ग और सीनियर व्यक्ति होकर वो इतने झूठ बोलते हैं। मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कटारिया जी, यदि किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो क्या वो हम कर, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुआ तो हम वो चाहे वो सजा भुगतेंगे, लेकिन यदि किसानों के कर्जे माफ हो गए जो सरकारी आंकड़ा सही है तो राजनीति छोड़ देंगे क्या? शर्म नहीं आती? वो कह रहे हैं हमें आंकड़ा दे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना मांग ले उनको मिल जाएगा। चित्तौड़ में दे रहा हूँ 80,000 किसानों के कर्जे माफ हो रहे, उदयपुर में कितने हुए, कलेक्टर से सूचना मांग ले, राजस्थान की सूचना, राजस्थान की सरकार से सूचना के अधिकार में, ये अधिकार भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने दिया, कटारिया जी मांग लो कर्जे काम आप हमें हिसाब दो, क्या हिसाब दो? आपकी तो नीयत ही खराब है बीजेपी के लोगों की, तो शर्म ही नहीं आती। जिस बीजेपी ने आटे पर टैक्स लगाने के बाद आटे से पराठा बना उस पर 18% टैक्स लगा दिया, वो बीजेपी हमसे हिसाब किताब कर रही, हम हमारा हिसाब किताब दे रहे हैं 4 वर्षों का, बीजेपी को भी हिसाब किताब देना चाहिए अपना 8 वर्षों के शासन का। हम जब चिरंजीवी योजना लागू कर चुके, प्राइवेट अस्पताल 10 लाख तक का इलाज की, तो केंद्र सरकार को भी लागू करनी थी, केंद्र देता कुछ नहीं है, केंद्र की बीजेपी की सरकार बातें बड़ी बड़ी, इनका मॉडल है धर्म के नाम पर टकाव खड़ा करके महंगाई से ध्यान रखाने, हमारा मॉडल है लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने, 50 यूनिट तक वृद्धि हुई है राजस्थान, 36 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है, राजस्थान में हर किसान को 1,000 रुपए महीना मिलता है, 12,000 रुपए साल के मिलते हैं, यही कारण है कि 7 लाख किसान घरों में जीरो बिल आ रहा है किसानों की खेतों पर।